हेलो गाइस, वेलकम टू माय टेक्निकल एमबीसी यूट्यूब चैनल। देखिए गाइस, मुझे एक भाई ने कमेंट किया है, हाउ टू मेक पासपोर्ट साइज फोटो इन फोटोशॉप, प्लीज मेक वन वीडियो, और इजीली कैसे बना सकते हैं। तो इस तरीके का कमेंट आया है। ओके, टुडे आई एम गोइंग टू शो यू इन दिस वीडियो हाउ टू रिमूव पासपोर्ट साइज फोटो बैकग्राउंड। आप लोग कैसे रिमूव कर सकते हो, अगर आपको पता नहीं है देन यू मस्ट वॉच दिस वीडियो। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल ईजिली मेक पासपोर्ट साइज फोटो एंड रिमूव फोटो बैकग्राउंड। तो देखिए गाइस, उनका यही कमेंट था, तो बहुत ही इजी प्रोसेस से बताने के लिए बोल रहे थे, तो मैं आज आप लोग को इजी प्रोसेस में ही दिखा देता हूँ। बट उससे पहले, अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके रख दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अभी मैं आप लोग को स्क्रीन पर ही दिखाऊंगा, बट यू मस्ट नो फोटोशॉप, एडोब फोटोशॉप टूल्स, एंड इफ यू डोंट नो एडोब फोटोशॉप टूल्स देन कंप्लीट वॉच दिस वीडियो। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस, एडोब फोटोशॉप 7.0, तो ये वाला फोटोशॉप में कैसे अभी पासपोर्ट साइज फ़ोटो हो या तो दूसरा कोई फ़ोटो हो, उसका बैकग्राउंड इमेज जो कि है वो चेंज करके, उसको रिमूव करके कैसे आप लोग पासपोर्ट साइज फ़ोटो बना सकते हो, तो वो मैं आज आप लोग को सबसे इजी तरीके से दिखाने वाला हूँ, क्योंकि किस मुझे कमेंट भी आया था इजी तरीके से बताइए। तो बहुत सारा टूल्स है हमें जो कि आपको बैकग्राउंड चेंज करने के लिए मिलेगा। तो आप लोग देखिए गाइस, ये वाला टूल से आप लोग अगर करोगे तो एमएल लेसो टूल्स है और मैग्नेटिक टूल्स। तो ये अगर फोटो का बैकग्राउंड काट के अगर आपको चेंज करना है तो गाइस इसमें बहुत सारा दिक्कत आता है। तो देखिए गाइस, और बहुत सारा है हमें टूल्स, तो उसका मैं यूज़ करके आप लोग को दिखाने वाला हूँ कैसे करना है, और आप लोग विथ इन 10 मिनट्स के अंदर अंदर इजीली सीख सकते हो। तो देखिए गाइस, मैं अभी दो फोटो लेके आप लोग को दिखा देता हूँ। अगर आपके पास कुछ इस तरीके का फ़ोटो है, मान लीजिए मैं माउस का लेफ़्ट बटन दो बार क्लिक कर चुका हूँ, और उसके बाद मैं फ़ोटो सेक्शन में जाऊँगा, सिंपली पिक्चर एंड तो मान लीजिए गाइस, अगर आपके पास कुछ इस तरीके का फोटो है, बैकग्राउंड ऑलरेडी है और कुछ इस तरीके का है बैकग्राउंड, और आपको ये बैकग्राउंड सिर्फ चेंज करना है, तो गाइस आप लोग कैसे कर सकते हो। तो देखिए गाइस, मैं सिंपली अभी आप लोग को दिखा देता हूँ ये वाला फ़ोटो का। ये बहुत ही इजी है गाइस इसका, जो कि बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आपको एक क्लिक में इसका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। तो एक क्लिक में बैकग्राउंड चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ में देखिए गाइस ये टूल को लेना होगा। तो ये टूल का नाम है, आप लोग देख सकते हो, मैजिक वंड टूल्स W। तो इसका नाम है देखिए गाइस मैजिक वंड टूल। और ये टूल लेने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली ये टूल में क्लिक कर देना है, उसके बाद यहाँ में इस ये वाला कलर बैकग्राउंड में इस पर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आप लोग क्लिक करना है। तो देखिए गाइस, एक बार में अगर नहीं होता है तो इस तरीके से, तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, तो कुछ इस तरीके से क्लिक करना है और यहाँ में जाना है, आपको ये वाला कलर टूल पर जाना है। तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है, और आपको जो कलर चाहिए आपको यहाँ में चूज़ करना है। तो देखिए गाइस, मैं अभी थोड़ा रेड कलर में इसको बना के आप लोग को दिखा देता हूँ। अगर आपको वाइट चाहिए तो वाइट में जाइए, यहाँ में जाइए, तो यहाँ में सिंपली सेलेक्ट करना है इस तरीके से, और यहाँ में ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक कर देने के बाद ये फाइनली सिलेक्ट हो चुका है, और यहाँ में देखिए गाइस ये वाला टूल लेना है आपको। तो इसमें हमें बकेट टूल्स लेना है, तो ये बकेट टूल सिंपली आपको लेना है, आप लोग ये में देख सकते हो, पेंट
बकेट टूल्स जी, तो ये टूल लेना है आपको। और ये टूल लेने के बाद आपको यहाँ सिंपली माउस का लेफ़्ट बटन फिर से क्लिक कर देना है, तो इस तरीके से कलरिंग हो जाएगा। और आप लोग फिर से इधर क्लिक कर दीजिए, इस तरीके से कलरिंग हो जाएगा। तो क्लिक करते जाइए माउस का लेफ़्ट बटन और इजीली आप लोग कलरिंग अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो देखिए गाइस, मैं अभी आप लोग को ऐसे ही दिखा रहा हूँ, बहुत ही इजी प्रोसेस में। और अगर ये नहीं हुआ है तो इसके ऊपर फिर से इस तरीके से ये वाला बाहर पर क्लिक कर देना है इसको हटाने के लिए। फिर से यहीं पर जाना है और यहाँ पर जाने के बाद सिंपली इस पर क्लिक कर देना है इस तरीके से। तो बाहर यहाँ में क्लिक कर देने के बाद ये फाइनली गुम हो चुका है। और उसके बाद सिंपली यहाँ में जो जहाँ में अभी कलरिंग नहीं हुआ है वहाँ पर फिर से क्लिक कर देना है ये टूल लेके। और क्लिक कर देने के बाद फिर से ये वाला लेना है बकेट टूल्स, पेंट बकेट टूल्स, तो इसको लेना है। उसके बाद फिर से यह हमें इस तरीके से कलर कर देना है, क्लिक कर देना है माउस का लेफ्ट बटन, तो इस तरीके से बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। उसी तरीके से फिर से यहाँ में जाना है और यहाँ में क्लिक कर दीजिए, और उसके बाद फिर से यहाँ में इस तरीके से कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए। उसके बाद फिर से यहाँ में जाना है बकेट टूल पर, उसके बाद फिर से हमें कलरिंग कर देना है इस तरीके से। तो इस तरीके से आप लोग बैकग्राउंड ईजिली चेंज कर सकते हो। तो देखिए गाइस, बहुत ही ईजी है, सिंपल है, और मैं दो तीन तरीके से आप लोग को दिखा देता हूँ बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है और कैसे बनाना है फ़ोटो। और उसके बाद तो इस तरीके से अच्छे तरीके से आप लोग कर दीजिए। उसके बाद फिर से यहाँ में जाना है और यहाँ में क्लिक कर देने के बाद पूरा क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर से ये लेना है, उसके बाद डायरेक्टली फिर से इस तरीके से कलरिंग कर देना है। तो बहुत ही ईजी है गाइस, बहुत ही ईजी है कलर चेंज करने के लिए। और उसके बाद देखिए गाइस, फिर से यहीं पर जाना है, उसके बाद यहाँ में क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर से यहाँ में अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ में जाना है। तो यहाँ में आपको देखने को मिलेगा क्लोन स्टेम टूल्स, और उसके बाद यहाँ में देखने को मिलेगा पैटर्न स्टेम टूल्स। तो ये इससे भी आप लोग इजीली बैकग्राउंड इरेज कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। तो इस देखिए गाइस, पैटर्न स्टेम टूल्स लेना है, और उसके बाद यह में जो भी है इस तरीके से फिर से कर दीजिए। तो इस तरीके से आप लोग कर दीजिए, और उसके बाद यहाँ में यहाँ पे जहाँ पर नहीं हुआ है अच्छे तरीके से कलरिंग नहीं हुआ है, तो इस तरीके से आप लोग कर दीजिए। तो देखिए गाइस, दो तीन तरीके से मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, और कर देने के बाद देखिए गाइस, सब जहाँ पर नहीं हुआ है इस तरीके से कर दीजिए। फिर से आपको यही टूल लेना है जो कि इसका नाम है मैजिक वांडर जी, आप लोग देख सकते हो इसका नाम। तो इस पर सिंपली क्लिक कर देना है, उसके बाद फिर से यहाँ में इस तरीके से क्लिक कर देना है। उसके बाद सिंपली ये लेना है, उसके बाद सिंपली बकेट टूल लेके इस तरीके से कलर कर देना है। फिर से आप अभी यहाँ पर जाना है और मैजिक वांडर टूल पर, और उसके बाद फिर से यहाँ क्लिक कर देने के बाद इसको यहाँ में बाहर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये फाइनली हो चुका है। उसके बाद फिर से यहाँ पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद फिर से आपको पेंट बकेट टूल लेना है जो कि, और उसके बाद यहाँ में फिर से क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से अच्छे तरीके से हो रहा है। तो जहाँ पर नहीं हुआ है तो यहाँ में आप लोग जाके सिंपली पैटर्न स्टेम टूल्स यूज़ करके आप लोग अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो फाइनली गाइस, ये हो चुका है। इसके बाद सिंपली मैजिक वांडर टूल पर फिर से क्लिक कर देना है माउस का लेफ्ट बटन, और उसके बाद बाहर क्लिक कर देना है, तो ये गुम हो जाएगा इधर का। और आपको फिर से क्या करना है, होल्ड में सिंपली फिर से क्लिक कर देना है इस तरीके से। तो आप लोग देख सकते हैं, हमें इजीली आप लोग चेंज कर सकते हो। तो सिंपली फिर से यहाँ में क्लिक कर देना है, उसके बाद यहाँ में क्लिक कर देना है, उसके बाद देखिए गाइस, तो ये हो गया कलरिंग। उसके बाद फिर से इधर क्लिक कर देना है, और उसी तरीके से यहाँ में कर दीजिए। उसके बाद फिर से ये, तो कलर एक ही करना है, तो सिंपली इस तरीके से कर दीजिए। और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग कर सकते हो गाइस। तो इस तरीके से गाइस, आप लोग इजीली चेंज कर सकते हो बैकग्राउंड। और मान लीजिए अगर आपके पास दूसरा कोई फ़ोटो है, तो मैं इसको कट कर देता हूँ। तो फाइनली ये गुम हो चुका है। अभी फिर से माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर देने के बाद आपको फिर से मैं एक फ़ोटो दिखा देता हूँ। मान लीजिए आपके पास कुछ ये वाला फ़ोटो है, और आपका इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, तो
तो एक क्लिक में होता है। देखिए गाइस, ये इसका बैकग्राउंड। अभी एक क्लिक में कैसे होगा, सिंपली इस तरीके से क्लिक कर देना है, इधर एक क्लिक कर देना है, तो ये फाइनली इसका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। सिंपली इस तरीके से क्लिक कर दीजिए। इसके बाद ये हमें कलरिंग में जाके जो भी लगाना है कलर, मैं सिंपली इसको ग्रीन कर देता हूँ। उसके बाद इस तरीके से क्लिक कर देना है। उसके बाद ये हमें पेंट बकेट टूल लेना है। उसके बाद ये हमें इस तरीके से एक क्लिक कर देना है, तो ये बैकग्राउंड चेंज हो गया। अभी फिर से मैजिक वांडा टूल पर जाना है। उसके बाद फिर से इधर एक क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर से ये टूल लेना है, पेंट बकेट टूल। उसके बाद सिंपली फिर से इस तरीके से क्लिक कर देना है, और सिंपली जहाँ पर नहीं हुआ है फिर से इसको वहीं पर जाना है वांडा टूल पर। उसके बाद बाहर क्लिक कर देना है। उसके बाद सिंपली यहाँ पर नहीं हुआ ऊपर पर, तो ऊपर में क्लिक कर देना है। और उसके बाद फिर से पेंट बकेट टूल लेना है। उसके बाद फिर से यहाँ में दे देना है, कलरिंग कर देना है। तो गैस इस तरीके से आप लोग इजीली बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। तो अभी दूसरा देखिए गैस, आपके पास मान लीजिए दूसरा कोई फोटो है, बैकग्राउंड बहुत ही ख़राब है और आपको उसका बैकग्राउंड चेंज करना है, तो कैसे चेंज कर सकते हो। तो देखिए गैस, इसको मैं फिर से कट कर देता हूँ, इसको कट कर देता हूँ। तो ये हो गया बैकग्राउंड चेंज। अभी मान लीजिए मैं दूसरा कोई फ़ोटो लेके आपको दिखा देता हूँ। तो मान लीजिए मेरे पास बहुत सारा फ़ोटो है, तो मैं एक फ़ोटो लेके आप लोग को दिखा देता हूँ। तो मान लीजिए गाइस, आपके पास कुछ इस तरीके का फ़ोटो है और इसका बैकग्राउंड आपको चेंज करना है, तो बैकग्राउंड आप लोग कैसे चेंज कर सकते हो। देखिए गाइस, सबसे पहले आपको इरेज पर, देखिए गाइस ये हमें इरेज है, तो इरेजर टूल पर जाना है, इरेजर टूल लेना है। और उसके बाद ये हमें इरेज कर देना है इस तरीके से। और अगर ये छोटा हो रहा है तो गाइस सिंपली क्या करना है, आपको थोड़ा मोटा में लेना है। तो सिंपली गाइस ये हमें ब्रश है, तो इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद ये हमें मास्टर डायमीटर है, तो मास्टर डायमीटर पर सिंपली इसको थोड़ा बड़ा कर देना है। तो 57 px पर कर चुका हूँ मैं। उसके बाद इसको कट कर देना है। उसके बाद इस तरीके से लगा सकते हो, इजीली बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। तो देखिए गाइस, इतना अच्छे से बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ बैकग्राउंड चेंज करके। तो इस तरीके से आप लोग करिए अपना हिसाब से। तो गाइस देखिए, आप लोग कुछ इस तरीके से भी इजीली बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। मैं ऐसे ही आप लोग को यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, बट आप लोग अच्छे तरीके से ये मिला के इजीली कर सकते हो। और उसके बाद देखिए गाइस, अगर दूसरा कोई लगाना है तो सिंपली फिर से ये वाला टूल, मैजिक वांडा टूल पर जाना है। उसके बाद ये हमें बाहर क्लिक कर देना है। उसके बाद पूरा होल में ये हमें बैकग्राउंड पर सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद फिर से हमें बैकग्राउंड पर जाना है। ये हमें बैकग्राउंड पर जाने के बाद देखिए गाइस, हमें कलरिंग जो भी है चूज़ करना है। तो देखिए गाइस, सिंपली मैं ब्लैक करके दिखा देता हूँ, वाइट करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। उसके बाद ये हमें बकेट टूल्स लेना है, पेंट बकेट टूल्स। उसके बाद इस तरीके से क्लिक कर देने के बाद पूरा होल बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। तो ये वाला प्रोसेस भी एक था। और दूसरा देखिए गाइस, दूसरा भी एक मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो सिंपली इसको मैं कट कर देता हूँ। और दूसरा देखिए गाइस, मैं कोई भी एक फ़ोटो लेके आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए गाइस, मेरे पास एक फ़ोटो है, तो सिंपली इस फ़ोटो का बैकग्राउंड अभी कैसे चेंज करना है। देखिए गाइस, सिंपली ये टूल पर जाना है। अगर इसमें एक क्लिक में इस तरीके से आ रहा है, तो सिंपली इसको छोड़ देना है। और आपको फिर से यह में जाना है, तो पैटर्न स्टेम टूल्स लेना है। और उसके बाद यह में पैटर्न स्टेम टूल्स एस लेना है। उसके बाद फिर से इस तरीके से कलरिंग कर देना है, पूरा कलरिंग कर देना है इस तरीके से। माउस का लेफ्ट बटन दबा के इस तरीके से कलर कर देना है, तो इजीली आपका ये चेंज हो जाएगा। और आप लोग ये कर देने के बाद एक क्लिक में पूरा होल आपको बैकग्राउंड चेंज करने के देखने को मिलेगा। देखिए गाइस, मैं अभी स्पीड आप लोग को करके दिखा रहा हूँ, ऐसे ही आप लोग इजीली चेंज कर सकते हो। तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए बहुत ही ईजी है गाइस, और बहुत ही ऐप्स भी है मोबाइल का, तो वो भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। बट फोटोशॉप का देखिए गाइस, बहुत ही क्लियर होता है जो कि, और पूरा HD में होता है,
इसलिए मैं आप लोग को अच्छे तरीके से दिखा रहा हूँ। उसके बाद ये कर देने के बाद देखिए गाइस, मैं एक क्लिक में इसको पूरा होल में बैकग्राउंड चेंज करके आप लोग को दिखा देता हूँ, ओनली वन क्लिक। तो गाइस बहुत ही इजी है। तो देखिए गाइस, आपको ये पूरा अच्छे तरीके से कलर कर देने के बाद, बैकग्राउंड कलर कर देने के बाद, सिंपली ये वाला टूल देखिए गाइस, ये वाला पैटर्न स्टैम्प टूल लेके आपको करना है। बहुत सारा है और भी है, मैं आपको आज 1 2 3 टूल्स यूज़ करके ही बता रहा हूँ। सबसे इजी टूल्स यही है गाइस, और अगर आपको ये कटर से करोगे तो बहुत ही दिक्कतें आएगा, इसलिए मैं 3 टूल्स यूज़ करके आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो अभी क्या करना है, सिंपली ये वाला टूल मैजिक वांडा टूल सिंपली लेना है, माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर देना है, उसके बाद इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। तो होल्ड क्लिक हो चुका है, देखिए गाइस। अभी फिर से आपको जो कलर चाहिए वही कलर रख दीजिए। तो देखिए गाइस, मैं कितना प्रोफेशनल तरीके से आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो सिंपली अभी मुझे चाहिए थोड़ा पिंक कलर में, तो कुछ इस तरीके का कलर में चाहिए, तो इसके ऊपर सिंपली सेलेक्ट कर देने के बाद ओके कर देना है। उसके बाद हमें पेंट बकेट टूल लेना है, उसके बाद सिंपली इस तरीके से कलर कर देना है। तो इस तरीके से आप लोग कलर कर सकते हो कितने अच्छे तरीके से। और अगर आपको वाइट चाहिए तो सिंपली आप लोग को वाइट ले लीजिए, और उसके बाद हमें ओके कर दीजिए। उसके बाद फिर से बकेट टूल ले लीजिए ये वाला, और उसके बाद इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए तो वाइट हो जाएगा। और अगर आपको दूसरा कोई कलर चाहिए, ब्लैक ब्लैक में चाहिए, तो सिंपली ब्लैक पर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद इस तरीके ओके कर दीजिए, उसके बाद ये टूल ले लीजिए, उसके बाद फिर से इस पर क्लिक कर दीजिए। तो ये इस तरीके से आप लोग इजीली बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। आई होप गाइस आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा। और देखिए गाइस, अभी पासपोर्ट साइज फ़ोटो कैसे लेना है, देखिए गाइस मैं आप लोग को बना के एक दिखा देता हूँ। तो सिंपली मैं इसको ग्रीन ले लेता हूँ, उसके बाद इसको मैं क्लिक करके, ये क्लिक हो चुका है, उसके बाद ये बाहर में क्लिक कर देना है ये हटाने के लिए। तो सिंपली इसके बाहर में यहाँ में क्लिक करके, मैजिक वांडा टूल पर क्लिक करके बाहर में क्लिक कर देना है, तो ये हो चुका है। अभी सिंपली क्या करना है, ये क्रॉप टूल लेना है और क्रॉप कर देना है कितना चाहिए आपको। तो सिंपली पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाने के लिए ये है, और सिंपली इस तरीके से क्लिक कर देना है, और मैं इसे आप लोग को दिखा रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ में, उसके बाद नहीं तो आपको यहाँ में ऊपर में राइट सीन मिलेगा, ये राइट बटन पर सिंपली क्लिक कर देना है, तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। और आप लोग ये जूम करना है थोड़ा, इस तरीके से जूम करने के लिए ये है, और इसके बाद ये हमें प्लस बटन पर क्लिक कर देना है, उसके बाद ये हमें इस तरीके से आप लोग जूम कर सकते हो। और अगर जूम माइनस करना है तो जूम माइनस भी कर सकते हो इस तरीके से। और फाइनली ये हो चुका है। और उसके बाद सिंपली गाइस देखिए गाइस, मैं ऐसे ही आप लोग को दिखा रहा हूँ कलर, आप लोग बैकग्राउंड अच्छे तरीके से रिमूव कर दीजिए। उसके बाद पासपोर्ट साइज फ़ोटो का साइज़ कितना होता है मैं आप लोग को दिखा देता हूँ अभी। तो साइज़ होता है सिंपली, इस पर जाइए इमेज पर, इमेज पर जाने के बाद इमेज साइज़ है यहाँ में, तो इमेज साइज़ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ में पासपोर्ट साइज़ के लिए विथ चाहिए आपको सिंपली 350, ये में विथ कर दीजिए। उसके बाद हाइट में आपको 430 कर दीजिए। 350 और 430 कर देने के बाद सिंपली क्या कर देना है, उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। तो ये फाइनली हो चुका है। अभी क्या करना है, कंट्रोल प्लस एन, इस तरीके से भी आप लोग ले सकते हो A4 साइज पेपर, और उसके बाद फ़ोटो पेपर ले सकते हो। अगर आपको यह में फाइल में जाके भी आपको देखने को मिलेगा, यह में न्यू बोल के आएगा, तो देखिए गाइस मैं फाइल में जाके आप लोग को दिखा देता हूँ ये कट करके। तो सिंपली फाइल में जाना है, फाइल में जाने के बाद आपको यह में देखने को मिलेगा न्यू, तो न्यू पर सिंपली कंट्रोल एन, तो देखिए गाइस मैं ऑलरेडी बता चुका था। तो सिंपली कस्टम है हमें, तो इसको A4 साइज कर दीजिए, और जिसमें चाहिए आपको फ़ोटो साइज फ़ोटो पेपर, तो वो फ़ोटो पेपर आपको सेलेक्ट करना है। तो देखिए गाइस मैं A4 साइज़ पर ही आप लोग को दिखा देता हूँ। A4 साइज़ क्लिक कर देने के बाद आपको सिंपली ओके पर क्लिक कर देना है। तो ओके पर क्लिक कर देने के बाद ये फाइनली आ चुका है, न्यू पेज ओपन होके। और उसके बाद इसको थोड़ा ड्रैग करके इधर लाना है, और उसके बाद इसको फिर से ये हमें इस तरीके से इसको करना है। और उसके बाद ये फ़ोटो सिंपली, यह हमें मूव टूल है, तो मूव टूल पर क्लिक कर देने के बाद सिंपली इस ये फ़ोटो को इस तरीके से खींच कर माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ में लाना है। तो देखिए गाइस मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, इस तरीके से खींच के हमें
छोड़ देना है। तो फाइनली ये हमें आ चुका है। अभी सिंपली इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। तो देखिए गाइस, अभी ये पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो चुका है। तो इसका ये हमें बॉर्डर लगाना है, ये फ़ोटो का बाहर में सिंपली बॉर्डर लाइन लगाना है। तो देखिए गाइस, सिंपली एडिट पर जाना है। एडिट पर जाने के बाद आपको यह हमें देखने को मिलेगा स्ट्रोक। तो स्ट्रोक पर सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद देखिए गाइस, यह हमें आप लोग कलर है तो कलर पर सिंपली कलर के ऊपर क्लिक कर देना है। और उसके बाद जो भी कलर चाहिए आपको, तो सिंपली मैं रेड में आप लोग को फ़ोटो का जो कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो का बॉर्डर में लगा के दिखा देता हूँ। तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद फिर से ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद ये हमें फाइनल लग चुका है। अभी क्या करना है, एक फ़ोटो से दूसरा फ़ोटो फिर से निकालने के लिए, यही साइज़ का सिंपली निकालने के लिए अल्टर प्लस कंट्रोल सिंपली आपको दबा देना है। अल्टर प्लस कंट्रोल दबा के सिंपली माउस का जो कि लेफ़्ट बटन सिंपली एक बार क्लिक करके, क्लिक करते करते इस तरीके से खींच के लाना है। तो इस तरीके से आप लोग ला सकते हो। ये हो गया दूसरा फ़ोटो। और फिर से उसी तरीके से एक बार अल्टर कंट्रोल छोड़ दीजिए, उसके बाद फिर से अल्टर कंट्रोल क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर से माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक करके इस तरीके से लाना है। तो आप लोग अपना हिसाब से ये करिए। तो सिंपली गाइस देखिए गाइस, मैं अच्छे तरीके से आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो देखिए गाइस, इस तरीके से इजीली आप लोग पासपोर्ट साइज फ़ोटो विथ इन 5 मिनट में बना सकते हो। तो कैसे करना है, बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है फ़ोटोशॉप में, उसके बाद कौन सा टूल्स यूज करना है, तो सब कुछ मैं अच्छे तरीके से आप लोग को दिखा चुका हूँ। आई होप गाइस आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके रख दीजिए। तो इस तरीके से आप लोग अपने हिसाब से करिए और ईजिली कंट्रोल प्लस पी कर दीजिए। कंट्रोल प्लस पी कर देने के बाद आपको यहाँ में प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, तो प्रिंट पर सिंपली क्लिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ में प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए, तो फाइनली ये प्रिंट हो जाएगा। तो गाइस, मेरा आज का वीडियो ये था। आप लोग को वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके रख दीजिए। जय हिंद, जय भारत।